हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आज की सीरीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। जो आज की वीडियो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम इसमें फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे और फंडामेंटल थ्योरम का कुछ पार्ट मैंने लास्ट वीडियो में आपको करवा दिया था। अगर जिसने भी वो वीडियो ना देखी हो तो पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी का आगे का पार्ट आज हम इसे सॉल्व आउट करेंगे। और जो ये फंडामेंटल थ्योरम है ये आपके 2012-16 में पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है, और ये ज़्यादा बड़े क्वेश्चंस में पूछी जाती है, यानी कि सेक्शन 3C के मतलब पाई जाती है, यानी कि सेक्शन सी में ये आपको मिलेगी। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल थ्योरम। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस, इसमें हमने क्या किया था कि एक पॉलिनोमियल माना था, यानी कि एक पॉलिनोमियल फंक्शन माना था एफ एक्स, वो भी कितने डिग्री का, एन डिग्री का, और एन डिग्री का मान के हमने डेल एफ एक्स उसका फाइंड आउट किया था। तो यहाँ डेल एफ एक्स हमारे पास क्या था, अल्फा वन अल्फा टू एक्स प्लस अल्फा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 अल्फा एन माइनस वन और एक्स की पावर एन माइनस टू, यही है। और प्लस में क्या होगा, ए एन एच एक्स की पावर ए एन, या ये कहें एन ए एन एच एक्स की पावर कितना, एक्स की पावर एन माइनस वन, यही था। यानी कि डेल एफ एक्स क्या था, डेल एफ एक्स हमारे पास था अल्फा वन प्लस अल्फा टू एक्स प्लस अल्फा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस डैश 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 अल्फा एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एन ए एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन, ये थी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में कि क्या होगा। अब हम इसे अगेन क्या करेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर लगाएंगे, अगेन फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब देखिए अगेन क्या होगा, डेल स्क्वायर एफ एक्स, यानी कि इस सभी का क्या होगा, डेल होगा, अल्फा वन अल्फा टू एक्स अल्फा थ्री एक्स स्क्वायर अल्फा एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस एन ए एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन, ये होगा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, डेल लगाएंगे। तो डेल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा वन अल्फा टू एक्स प्लस एच प्लस अल्फा थ्री एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस अल्फा एन माइनस वन एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस टू, और यहाँ एन ए एन एच एक्स की पावर एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन होगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास, और माइनस नेक्स्ट स्टेप में नहीं, माइनस अल्फा वन माइनस अल्फा टू एक्स अल्फा थ्री एक्स स्क्वायर और माइनस अल्फा एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू माइनस एन ए एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन, ये वैल्यू होगी। अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, अल्फ़ा वन यहाँ पर अल्फ़ा टू एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ अल्फ़ा टू बचेगा, याद रखना क्या बचेगा, अल्फ़ा टू बचेगा, यानी कि ये आ जाएगा अल्फ़ा टू एच प्लस अल्फ़ा थ्री वाले एक तरफ कर लें तो एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एन माइनस वन कॉमन लें तो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस टू माइनस एक्स की पावर एन माइनस टू, और
प्लस में कितना एन ए एन एच कॉमन निकाला तो ये आया एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन। ये सभी में हमने कॉमन निकाला। अब यहाँ पर इस इनको खोलेंगे क्या होगा, कल आपको बताया हुआ है लास्ट वीडियो में क्या लिख सकते हैं, टू सी ज़ीरो एक्स की स्क्वायर, ठीक है, और एच की पावर ज़ीरो। प्लस में कितना टू सी वन एक्स एच प्लस टू सी टू एक्स की पावर ज़ीरो एच स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस यहाँ देखिए क्या होगा, अल्फ़ा एन माइनस वन एक्स यानी कि ये होगा एन माइनस टू सी नॉट एक्स की पावर एन माइनस टू एच की पावर ज़ीरो प्लस कितना एन माइनस टू सी वन मल्टीप्लाई एक्स की पावर एन माइनस वन रह जाएगा एन माइनस टू यानी कि एन माइनस टू में से एक घटा देंगे यानी कि एन माइनस थ्री रह जाएगा। और यहाँ h प्लस डैश 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 क्या होगा लास्ट स्टेप, n माइनस टू सी एन माइनस टू एक्स की पावर ज़ीरो और h की पावर n माइनस टू और माइनस x और माइनस x की पावर n माइनस टू। ये स्टेप है। आगे वाली स्टेप में प्लस n a n h क्या होगा, एन माइनस वन सी वन सी नॉट एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है, और एच की पावर ज़ीरो प्लस एन माइनस वन सी वन एक्स की पावर एन माइनस टू एच। और लास्ट स्टेप यहाँ क्या होगी, एक्स की पावर एन माइनस वन सी एन माइनस वन एक्स की पावर ज़ीरो एच की पावर एन माइनस वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब कुछ कैंसिल आउट होगा तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे और सॉल्यूशन देखेंगे आगे। अब यहाँ पर हमें ये डेल एफ एक्स की वैल्यू दोबारा अगेन ज़रूरत पड़ेगी तो आप डेल एफ एक्स को ऊपर उतार लेंगे। डेल एफ एक्स की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि हमें कंपेयर करना पड़ेगा यानी कि डेल एफ एक्स इक्वल क्या था, अल्फ़ा वन अल्फ़ा टू एक्स अल्फ़ा थ्री एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस टू एन ए एन एच एक्स की पावर एन माइनस वन, ठीक है। ये आपका क्या है, आपको याद रखना डेल एफ एक्स है। अब डेल एफ एक्स है तो अब इसे हम आगे सॉल्यूशन करेंगे। यहां कितना था एन माइनस टू सी वन, ये था। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, अल्फा टू एच अल्फा थ्री टू सी ज़ीरो की वैल्यू कितनी हो गई, टू फैक्टोरियल अपॉन में कितना ज़ीरो फैक्टोरियल अपॉन में टू माइनस ज़ीरो को फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल यानी कि कितना आ जाएगा वन आ जाएगा, कितनी वैल्यू हो जाएगी वन हो जाएगी। और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया यानी कि टू सी वन एक्स एच प्लस टू सी टू एच स्क्वायर यानी कि अब आगे क्या होगा प्लस कितना अल्फा एन माइनस वन। यहाँ देखिए ये वैल्यू और जो ये वैल्यू है वो कैंसिल आउट हो गई तो क्या बचा एन माइनस टू सी वन एक्स की पावर एन माइनस थ्री एच प्लस कितना एन माइनस टू सी एन माइनस टू
एच की पावर एन माइनस टू, ठीक है, ये वैल्यू बची। अब लास्ट स्टेप और क्या बची है, एन एन एच एन सी जीरो और ये वैल्यू कैंसिल, तो यहाँ बचा है एन माइनस वन सी वन एक्स की पावर एन माइनस टू एच प्लस एन माइनस वन सी एन माइनस वन सी एन माइनस वन एक्स जीरो की वैल्यू वन एच की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब ये वैल्यूज आ गई, अब हम अल्फा टू एच ये वैल्यू है इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, अगेन एक फंक्शन आएगा। अब देखिए जब हमने एफ एक्स माना था तो वो कितने ऑर्डर का, यानी कि अल्फा नॉट से स्टार्ट हो रहा था और कहाँ तक जा रहा था, अल्फा एन तक जा रहा था, और डेल एफ एक्स करा यानी कि एक वैल्यू कम हो गई, एक वैल्यू कम हो गई, अब ये कहाँ तक जा रहा है, एन माइनस वन तक जा रहा है। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ क्या करेंगे कि अब हमारे पास डेल स्क्वायर एफ एक्स होगा ना, वो होगा फर्स्ट फंक्शन। अब कहाँ से स्टार्ट होगा ये फर्स्ट फंक्शन, c2 से, c2 प्लस c3x प्लस c4x स्क्वायर और प्लस में कितनी हमारे पास लास्ट स्टेप, यानी कि ये कहें कि हमारे पास ये यहाँ से कंपेयर करें n इंटू एन माइनस वन एन एच स्क्वायर एक्स की पावर कितनी रह जाएगी, एन माइनस वन तो तब हो रहा जब एक बार मतलब कि फॉरवर्ड ऑपरेटर लगाएं, और यहाँ एन माइनस टू हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम सेकंड टाइम लगा रहे हैं, यहाँ जो पावर है वो एन में से घट जाएगी, ठीक है, और एन और इनटू में एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है, ए एन एच स्क्वायर एक्स की पावर एन माइनस टू हो गया। अब इसी तरह अगेन एंड अगेन अप्लाइंग फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। अब देखिए क्या है कि हमने दो बार तो दिखा दिया, तीसरी बार करेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, C3 से, यानी कि उसको बोलेंगे C3, Z3 मान लेंगे, Z3 प्लस Z4x स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू हो जाएगा, an h की पावर कितनी हो जाएगी, तीन हो जाएगी, और x की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस थ्री हो जाएगी, ये होगा। तो यानी कि अगर हम करते जाएँ तो लास्ट स्टेप जो होगी तो घटते जाएंगे, ये सारी स्टेप हट जाएंगी, तो ये बचेगी n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू, और कहाँ तक, आप कहेंगे कि n माइनस एन तक जाएगी, नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ जब दो है तो पावर एक कम तक जा रही, यानी n माइनस वन तक जा रही, तो यहाँ जब n है तो कितने तक जाएगी, n में से कितना माइनस होगा, एक कम माइनस होगा, यानी कि ये जाएगी n माइनस वन से, ठीक है। अब और ये हो गया ए एन एच की पावर एन एक्स की पावर एन माइनस एन, जब दो था तो दो माइनस हुआ एन से, अब एन है तो एन माइनस होगा, ये होगा डेल एन एफ एक्स एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू अप टू वन, ये हो गया ए एन एच की पावर एन एक्स की पावर ज़ीरो। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देंगे, डेल एन ये किसका फैक्टोरियल हो गया, एन का फैक्टोरियल, ए एन एच की पावर एन एक्स की पावर कितना जीरो, एक्स की पावर जीरो यानी कि कितना आ गया, वन आ गया। अब ये कह सकते हैं क्या, डेल एन एफ एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट, डेल एन एफ एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट, यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन है क्या, वेरिएबल है क्या, नहीं, तो यानी कि एफ एक्स इक्वल कॉन्स्टेंट आ गया। That implies, जब constant आया तो that implies हम ये लिख सकते हैं n time applying forward operator, forward operator the degree of function is zero,
कितने फंक्शन का बन गया, जीरो, क्योंकि यहाँ पर एक्स की पावर जीरो थी, तो इसलिए कितने फंक्शन का बन गया, जीरो का बन गया। अब बताइए कि हमें ये प्रूफ करना था, तो ये एक तो प्रूफ आ गया, और सेकंड प्रूफ क्या आएगा इसका, अगेन एक बार और अप्लाइंग कर दें तो एफ एक्स डेल एन की पावर एन प्लस वन एफ एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये दो चीज़ें आ जाएंगी, क्यों, कॉन्स्टेंट स्टेप का हम फॉरवर्ड नहीं लगा सकते, यानी कि कोई भी ऑपरेटर नहीं लगा सकते, तो वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मेरे हिसाब से आप सभी को ये फंडामेंटल थ्योरम समझ में आ गई होगी। अब फंडामेंटल थ्योरम में एक दो एग्जांपल हैं, इसके एग्जांपल देखते हैं। तो दो चीज़ें मैं नोट कर देती हूँ, यहाँ एक तो है डेल एन एफ एक्स इक्वल क्या होता है, एन फैक्टोरियल ए एन एच की पावर एन, ठीक है, फर्स्ट चीज़। सेकंड है डेल एन प्लस वन एफ एक्स इक्वल क्या है, ज़ीरो। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, इसलिए मैंने आपको लिख दी। अब यहाँ देखिए, अब हम क्या देखेंगे, इस फंडामेंटल थ्योरम के एग्जाम्पल देखते हैं, जो इसी के इसी क्वेश्चन से, या ये कहें कि इसी थ्योरम पर बेस्ड है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल है डेल क्यू ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये ठीक है। अब फंडामेंटल थ्योरम कैसे बेस्ड होगी, इसके सॉल्यूशन में देखें, इस डेल क्यू को अलग अलग लगा दो, ए एक्स क्यू प्लस डेल क्यू डी एक्स स्क्वायर प्लस डेल क्यूब सी एक्स प्लस डेल क्यूब डी। अब यहाँ ए बार निकालें, डेल क्यू एक्स क्यू डेल क्यू एक्स क्यूब प्लस डी बार निकालें डेल क्यूब एक्स स्क्वायर और सी बार निकालें डेल क्यूब एक्स प्लस डेल क्यू डी। ये तो ऑलरेडी आपको मालूम है ऑपरेटर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। अब देखिए कि ऑपरेटर ज़ीरो हो जाएगा, अब यहाँ पर केवल इसी का सॉल्यूशन होगा, इसी को सॉल्यूशन होगा, इनका ज़ीरो हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, हमने जब फंडामेंटल इक्वेशन पढ़ी या फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी, तो वहाँ क्या बोला था, इफ़ एफ एक्स बी ए वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड ऑफ डिग्री एन, एफ एक्स वहाँ क्या होता था, कितने पावर का होता था, एन डिग्री, यानी कि कितने का होता था, एन डिग्री। दैट इम्प्लाइज एफ एक्स में जो वेरिएबल है, मान लो एक्स की पावर एन प्लस टू एक्स क्यूब, इस तरीके से होने चाहिए थे। कहने का मतलब है x की पावर कितनी होनी चाहिए थी, n होनी चाहिए थी, केवल उन्हीं का सॉल्यूशन हो रहा था, केवल उन्हीं, जितना x की पावर हाईएस्ट होगी n होगी, तो उसी का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा, ठीक है। यानी कि डेल n, तो यहाँ कितनी होनी चाहिए, x की पावर n, यानी कि ये दोनों पावर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बाकी अगर n प्लस वन है और फंक्शन कम है, यानी कि यहाँ x की पावर n माइनस वन है और ये डेल n है, या ये कहें ये n है और ये n प्लस वन है, तो क्या हो जाता है, ज़ीरो। अब यहाँ देखिए पावर क्या है इन दोनों की, सेम है। यहाँ देखिए यहाँ पावर क्या है, एक बढ़ रही है, यानी कि इस तीन को हम क्या कहेंगे, n प्लस वन, और यहाँ ये क्या कहेंगे, हम n कहेंगे, यानी कि n बराबर दो है, तो n प्लस वन बराबर कितना आ रहा है, तीन, यानी कि दो प्लस एक आ रहा है तभी तीन हो रहा है, यानी कि बढ़ रही है, तो इसका ये सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन सारे क्या हो जाएंगे, ज़ीरो। यहाँ देखिए यहाँ n बराबर वन है और n प्लस वन, यानी कि वन प्लस कितना हो रहा है, टू हो रहा है, यानी कि फिर भी ज़्यादा है, तो इनका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में बाय द थ्योरम By the fundamental theorem, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम से क्या होगा, a डेल क्यू एक्स क्यू प्लस जीरो प्लस जीरो, ठीक है। अब देखिए यहाँ
डेल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, डेल एक्स क्यूब हो जाएगा। अगेन यहाँ क्या करेंगे, ए डेल स्क्वायर ये क्या होगा, एक्स प्लस एच का क्यूब, एक्स क्यूब, ए डेल स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एच क्यूब प्लस थ्री ए थ्री एक्स स्क्वायर एच प्लस थ्री एक्स एच स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, ये होगी। आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में, ए डेल स्क्वायर कुछ वैल्यू कैंसिल आउट हो रही, कैंसिल आउट कर दी, क्या बचा हमारे पास, एच क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर एच प्लस थ्री एक्स एच स्क्वायर, ये बनेगा। अब हमारे पास क्या करें, हम यहाँ डेल एक बार रह दें और अंदर डेल जाएगा एच क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर एच प्लस थ्री एक्स एच स्क्वायर। अब अगेन देखिए ए डेल ज़ीरो कॉन्स्टेंट है तो यहाँ होगा थ्री, ये तो हो जाएगा थ्री एच एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एच स्क्वायर एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ये वैल्यू आएंगी। अब आगे देखिए ए डेल कितना, थ्री एच एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एक्स कैंसिल थ्री एच क्यू, ठीक है, ये होगा। यानी कि अब हम आगे करेंगे, अब आगे करेंगे तो कुछ कैंसिल आउट हो रहा है इसमें भी, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा ए डेल कितना, थ्री एच, थ्री एच क्यूब अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं प्लस सिक्स एक्स एच स्क्वायर और प्लस थ्री एच क्यूब। यहाँ क्या आएगा, ए डेल सिक्स एच क्यूब प्लस सिक्स एक्स एच स्क्वायर, कॉन्स्टेंट वैल्यू जो भी है। अब यहाँ डेल लगेगा तो ये तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो। यहाँ क्या हो जाएगा, ये डेल सिक्स एक्स एच स्क्वायर हो जाएगी, केवल ये बचेगा। अब यहाँ सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास सिक्स एच स्क्वायर तो बाहर, तो सिक्स ए एच स्क्वायर बाहर, तो डेल एक्स बचा, डेल एक्स बचा तो दैट इम्प्लाइज सिक्स ए एच स्क्वायर कितना होगा, एक्स प्लस एच माइनस एक्स होगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया सिक्स ए एच क्यूब, ये है आपका सॉल्यूशन। यानी कि जो हाईएस्ट पावर थी तीन तीन, वो तो उनको ही सॉल्यूशन हमने किया और उनका जैसे करते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर वैसे किया। ये तो है एक तरीके से एक मेथड। और अगर हम दूसरा मेथड लगाएं वो क्या है, लास्ट में अगर हम मेथड लगा दें कि n फैक्टोरियल h की पावर n क्या है, हमारे पास डेल n एफ एक्स इक्वल क्या होता है, n फैक्टोरियल a n h की पावर n, यही है। तो यहाँ देखिए a तो कांस्टेंट है तो a तो आ ही रहा है, ठीक है, यहाँ 6 बाहर निकाल देंगे और क्या करेंगे x के फैक्टोरियल, या ये कहें कि अब आपको मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन कराऊंगी उसमें ये अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए अब एग्जांपल नंबर सेकंड लेते हैं, हम एक एग्जाम्पल है, और यहां h बराबर 1 वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। अब देखिए हम क्या करें, सबसे पहली बात हम इसके सॉल्यूशन के लिए इनका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा,
ए बी एक्स क्यूब और इनटू में क्या आएगा, माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस वन और इनटू में सी एक्स क्यूब माइनस वन। अब नेक्स्ट स्टेप में डेल सिक्स क्या आ जाएगा, ए बी सी एक्स सिक्स ये आ गया और आगे वाली स्टेप में माइनस ए बी एक्स क्यूब माइनस ए सी एक्स की पावर कितनी चार माइनस 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 प्लस ए एक्स माइनस बी सी एक्स फाइव और माइनस माइनस क्या प्लस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में कितना सी एक्स थ्री और माइनस वन ये आएगी। अब यहाँ क्या कर लें, डेल सिक्स ए बी सी एक्स की पावर सिक्स कर दें और तीन चार पाँच वाले एक साथ लिख दें, माइनस कॉमन निकाल लें तो यानी कि डेल सिक्स क्या होगा, ए बी एक्स की पावर थ्री प्लस ए सी एक्स की पावर फोर प्लस बी सी एक्स की पावर फाइव और लास्ट में क्या होगा प्लस। अब ये क्या बची हमारे पास, एक्स तीन एक्स चार एक्स पाँच वाली कर ली, अब हमारे पास क्या बची, तीन की बची एक्स तीन। ठीक है, और बाकी बची हुई टर्म क्या है हमारे पास, एक तो बची डेल की पावर सिक्स ए एक्स प्लस कितनी बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स क्यूब माइनस वन। अब ये टर्म आ गई। अब आप बताइए कि x की पावर यहाँ कितनी है, छः, यहाँ कितनी है तीन, तीन और छः कंपेयर करिए, ये ज़्यादा है ये कम है, ये ज़्यादा है ये ज़्यादा है ये कम है, तो यानी कि ये वैल्यूज दोनों क्या हो जाएंगे ज़ीरो बाय द थ्योरम। ये बचेगा a b c x की पावर c और ये क्या होंगी ज़ीरो प्लस ज़ीरो बाय द थ्योरम। थ्योरम, अब थ्योरम के अकॉर्डिंग होगा तो यहाँ ए बी सी डेल सिक्स एक्स की पावर सिक्स कर दें। अब हम जानते हैं क्या डेल की पावर एन क्या होता है, ए एन एच की पावर एन एन फैक्टोरियल। ठीक है, एच की वैल्यू हमें वन गिवन है, तो देखिए ए एन तो वो होता है, ए एन फंक्शन होता है जो कॉन्स्टेंट के लिए होता है, कॉन्स्टेंट हो। ठीक है, तो हमारे पास कॉन्स्टेंट है तो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा ए बी सी। ठीक है, एच की पावर एन जो यानी डिफरेंशिएशन कितनी बार किया है, सिक्स टाइम किया है, तो एच की पावर सिक्स। ठीक है, और सिक्स का फैक्टोरियल, एक्स का पावर कुछ नहीं होगा तो आप फॉर्मूले से कर रहे हैं, यानी कि एक्स की पावर सिक्स ए बी सी एक्स की पावर से एच की पावर सिक्स यानी कि वन के टाइम्स कितना सिक्स और सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई कितना टू तीस और बारह और बारह तिया छत्तीस और छत्तीस दोने बहत्तर कितना आएगा सात सौ बीस ए बी सी। ये क्या है सॉल्यूशन है, एकदम इजी क्वेश्चन था और दोनों तरीके से मेथड से सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा, फंडामेंटल थ्योरम जो से पार्ट था वो पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके और एग्जांपल और अदर तरीके के मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।